जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बहुत सुर्खियों में हैं। मोदी सरकार पर दावा करने के बाद अब प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व सीएम तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया, जिस पर तेजस्वी ने जमकर पलटवार किया। सवाल है, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर क्या कहा है? प्रशांत किशोर के आरोप से तेजस्वी यादव गुस्से में क्यों है? दरअसल चुनावी माहौल के बीच प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को बीजेपी का एजेंट कहा। जब बीजेपी हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के चुनाव के बाद उनसे माहौल बनाने के लिए बुलवाना शुरू कर दिया, ये कहा उन्होंने। वो बीजेपी की मानसिकता के आदमी हैं, भाजपा इनको घुमा रही है, फंड दे रही है। तो वहीं इस पर तेजस्वी यादव ने न केवल प्रशांत किशोर को निशाना साधा बल्कि कहा बीजेपी और पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह के कहने पर बनाए हैं। तेजस्वी ने कहा, ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं और जो पार्टी इनके साथ काम करेगी वो बर्बाद हो जाएगी। प्रशांत किशोर अपने जिलाध्यक्ष को सैलरी पर रखते हैं, विश्व की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी भी नहीं रखती होगी। अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पर ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं, पता नहीं पैसा कहां से आता है इनके पास। तेजस्वी ने कहा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल ये किसी के साथ काम करते हैं, फिर किसी और के साथ डेटा इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे देंगे, इसी तरह कल उसका डेटा ले लिया उसको दे देंगे, इसी तरीके का काम है। हमें व्यक्तिगत तौर से उन्हें कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपको ये समझना होगा प्रशांत किशोर बीजेपी मानसिकता वाले और बीजेपी के एजेंट हैं। एक रणनीति के तहत बीजेपी इन्हें घुमवा रही है और फंड दे रही है, लेकिन हमको भी मालूम है कि ये कहां कहां फंड दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बार बार बिहार दौरे को लेकर तंज कसते हुए बिहार में फीडबैक बहुत खराब मिल रहा है। उन्होंने कहा, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार में चुनावी रैलियां करने पहुंच रहे हैं। वहीं चिराग पासवान द्वारा नादान बताए जाने पर कहा कि केक काटने में नादानी क्या है, 200 सभा किसी ने की है क्या? नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, पार्टी को तोड़ दिया गया, घर को छीन लिया गया, फिर भी हनुमान बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले प्रशांत किशोर ने निजी चैनल से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने एनडीए को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। उनका कहना है, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र की सत्ता में आ रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। उनका कहना है, जमीन पर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, हल्की फुल्की नाराजगी है। बीजेपी को सीटों के रूप में कहीं बड़ा नुकसान होता भी नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं, अगर बीजेपी उत्तर पश्चिम भारत के अपने गढ़ में कुछ सीटें गंवा सकती है तो उसे दक्षिण पूर्व में कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। इस तरह बीजेपी को 2019 या उससे भी बड़ी जीत मिल सकती है। उनका कहना है, बीजेपी इस बार भी 300 के पार रहेगी, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसकी वजह यह है कि लोगों ने पीएम मोदी को लेकर खास गुस्सा नहीं दिखाया है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया वालों का साफ कहना है कि इस बार मोदी की सरकार नहीं आएगी, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। देश की जनता किसके केंद्र में किसको रखती है और किसे विपक्ष की भूमिका दे देती है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।